रैंडी ऑर्टन इस हफ्ते रॉ में नजर आए थे, लेकिन वो इस हफ्ते स्मैकडाउन में भी नजर आएंगे। निक एल्डिस ने खुद कंफर्म किया कि रैंडी ऑर्टन इस हफ्ते स्मैकडाउन में होंगे। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। जेट कारगिल को लेकर एक अपडेट सामने आया है। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेट कारगिल एक वीक में एक दो दिन डब्ल्यूएफली परफॉर्मेंस सेंटर में बिता रही है, जो उनके आगे बढ़ने का करंट प्लान है। जेट कारगिल के मेन रोस्टर में आने या यहाँ तक कि उनके रेगुलरली एनएक्सटी में दिखाई देने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं पता है। डब्ल्यूएफली जेट कारगिल को बड़े स्टार के रूप में देखती है और उन्हें स्टोरी लाइन में डालने की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीएम पंग इस हफ्ते रॉ में बैकस्टेज में ऐसे आए जैसे वो किसी और से ऊपर नहीं, और उन्होंने सभी के साथ फ्रेंडली व्यवहार किया। वो लॉकर रूम में सभी के साथ बाहर रहे और उन्होंने शो से पहले सभी से बात किया। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक के ओर। ड्रू मैकइंटायर सर्वाइवर सीरीज में गुस्से में थे, लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रू मैकइंटायर के साथ सर्वाइवर सीरीज में जो कुछ भी हुआ वो अब खत्म हो गया लगता है, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते रॉ में अच्छे मूड में थे। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आपके देखने के लिए धन्यवाद।